आज साइंस डे के मेहमान खसूसी यहीं के कॉलेज के प्रेसिडेंट आदरणीय वासुदेव गोयल, इंजीनियर वासुदेव गोयल कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके साथ हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर सुरेश गुप्ता और कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉडल्स यहाँ बनाए हुए हैं साइंस डे पे। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट दिस मॉडल डिपिक्ट? Yeah, we made this rangoli on the purpose that ozone layer, we know that it is a main concern in nowadays also, that ozone layer is becoming weak and weak more and more day by day, because oxygen becomes less in amount due to pollution, due to pollution, oxygen air is decreasing day by day in the environment here. And this rangoli depict like this here. Oxygen amount is decreasing day by day due to pollution of air, like harmful gases. You are having NO2. You are having proper ambience in your college here? Yes, sir. Our chief guest, Honorable Engineer Dr. Vasudev. I'm not a chief guest, I'm a part of the college. No, part of college. But today's function, you are chief guest, Engineer Vasudev Goyal. In this particular college, Science Day is going to be commenced and celebrate. Yeah. आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, साइंस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और साइंस का जब तक नॉलेज नहीं होगी हमें एनवायरनमेंट के बारे में, देश के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में हमें नॉलेज नहीं मिल सकती। ये ओजोन लेयर की बात ही करेंगे तो ओजोन लेयर जितनी कम हो जाएगी या डिप्लिक्ट हो जाएगी या वीक हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग, ये भूचाल, ग्लेशियर बिगड़ने और सुनामी वगैरह, ये सब इसका कारण बन जाते हैं। यानी कि बिना मौसम के जो उत्तराखंड में ग्लेशियर आया है ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। और ग्लोबल वार्मिंग है ओनली ड्यू टू डिप्लिक्टमेंट ऑफ दी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये कई चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं, जैसे पोल्यूशन भी इफेक्ट करता है। तो आपके यहाँ कॉलेज के अंदर साइंस एस्टीम है? हाँ, ये कई सालों से है, बीएससी लेवल तक है। मेरे साथ खड़े हैं डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, बड़े डायनामिक हैं और इस जब से आप कॉलेज में आए हैं इसी तरह के इवेंट, यानी कि एक आपकी और प्रधान जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो बहुत सारे इवेंट आप यहाँ सेलिब्रेट करवाते हैं और कमेंट्स करवाते हैं। जैसा कि हमें विदित है 28 फरवरी, ये हमारे साइंस डे और थ्रू आउट होल इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे पर्पज भी यही है और इसी पर्पज के तहत मैंने यहाँ नेशनल साइंस डे 3 डेज का सेलिब्रेट किया है, ताकि और वो 3 दिन का जो है 24 को मैंने है 24 फेब को मैंने जो है बच्चों की जितनी भी रंगोली है और पोस्टर मेकिंग, इसमें ताकि बच्चों की प्रतिभाओं का उभार अति आवश्यक है नेशनल साइंस डे में। और यही दूसरा जो है, हमने जो है ना मॉडल बिल्डिंग का काम किया है, बच्चे उसको जो है ना डिस्प्ले करेंगे, एग्जिबिट करेंगे और उसको 1 मार्च को जो है ना क्विज कॉन्टेस्ट होगा। साइंस की फैकल्टी है यहाँ? फैकल्टी है साइंस की हमारे पास, मैडम भारती है। मैडम भारती, आपने यानी कि साइंस डे के लिए क्या क्या तैयारियाँ करवाई हैं इन बच्चों से? सर, हमने 3 डे इवेंट करवाया है जिसमें हमने 24 और 25 को रंगोली पोस्टर। विच फैकल्टी यू कम्स? केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। हमने 2 डे केमिस्ट्री नहीं सर, वो केमिस्ट्री ही प्रनाउंस करते हैं। तो 2 डे इवेंट, तो 24-25 को हमने रंगोली एंड पोस्टर मेकिंग एंड 25 को हमने मॉडल एग्जीबिशन का कराया है और 1 मार्च को हम इंट्रा कॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन करा रहे हैं सर ऑनलाइन, जिसमें हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेज हैं सब पार्टिसिपेट करेंगे सर उसमें। थैंक यू गोयल साहब, आप हमारे चैनल पे आए और अक्सर गुलजार करते रहे थे, आपके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात का इंगित करती है कि आप कॉलेज को और ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे। कॉलेज में आने के बाद चेहरा बदल जाता है क्योंकि यहाँ का एटमोसफेयर जो है बहुत बढ़िया, इतने फूल पौधे और वो लगे हुए, बच्चे खुश मिजाज हैं, टीचर्स खुश मिजाज हैं। चलो साइंस डे पर मैं एक एक मुक्तक छोड़े चलता हूँ आपके लिए, काफले मोहब्बत को यहीं रोक लीजिए, हम आते हैं पाँव का कांटा निकाल के। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हाँ से क्या हुआ।